वेलकम करता हूँ खुशामदीद करता हूँ और खासकर सीनियर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिससे कभी हमारा कोई छोटा मोटा फंक्शन या काम होता है तो हमारी इंसाफ है वो अपने किसी वक्त निकाल करके हमारे बीच आते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत कमी है, बिल्डिंग से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे पूरे ब्लॉक में प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने बोला हुआ है कि इंशाल्लाह इसका भी इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कोविड अभी खत्म नहीं हुआ, इसकी वैक्सीनेशन करवाएं, एसओपीज़ को फॉलो करें, फेक रूमर जो फैला रहे हैं उन पर आप जरा भी ध्यान ना दें। सिंधिया फाउंडेशन एक केरला बेस्ड एजुकेशनल और ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी है। इसके अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट हो रही है। हम अभी मुल्क के 6 रियासतों में यासीन इंग्लिश स्कूल और यासीन कॉलेज के नाम से 63 इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। इसमें तकरीबन 18,000 बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं। अब एक चैरिटी विंग है एस्केयर के अंडर अभी हमारा ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अब पिछले 2 साल से कोविड पैंडेमिक पीरियड में एस इंडिया फाउंडेशन का एस्केयर काफ़ी खिदमत अंजाम दिया है। उसमें खास करके 2 हफ्ते पहले सब डिस्ट्रिक्ट सुरनकोट हॉस्पिटल में कॉन्सेंट्रेटर दिए थे, अब आज यहाँ पीएचसी लसाने में सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैंने आज यहाँ पे इस फाउंडेशन की तरफ से कंसल्टेशन जो कि वो डोनेट की पीएचसी में, इससे पहले भी मैं यहाँ पे विजिट तब भी मैंने 2 कंसल्टेंट यहाँ पे आके डोनेट किए थे। तो कोविड के चलते हुए कोविड की क्राइसिस में ऐसा कोई मंजूरी काज अगर कर रहा तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसे काजेज के लिए और भी लोग आगे आएँ तो तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी से बेसिकली मैसेज हुई कि कोविड बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। तो मुझे मेरा तो ख्याल यही कि कोविड को अब हमें साथ लेके ही चलना है, इसलिए हमें एसओपीज़ का हमेशा ख्याल रखना है। अभी भी आप अपनी कैदी मौत करें, एसओपीज़ को पूरा पालन करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कभी ना कभी हम इस बीमारी से जरूर छुटकारा पाएंगे। आपने पीएचसी का दौरा भी किया तो किस क्या कहेंगे? हाँ, मैंने पीएचसी का दौरा किया। पीएचसी का माशाल्लाह से बिल्डिंग तो
है मगर इनमें अभी कुछ कमियाँ हैं, इनको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। इनके पास एम क्वार्टर्स नहीं है, इनके पास एम्बुलेंस नहीं है। मैंने कुछ नई चीज़ें प्रपोज की हैं, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द